एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लीजिए, हम पहुंच गए हैं इम्तियाज़ पे, पूरा क्रॉकरी सेक्शन और साथ में इलेक्ट्रॉनिक का जो सेक्शन है। तो ये रहे इसके प्राइस और ये रही हमारी मतलूबा चीज़। अच्छा, यानी एक अदद आपको मिल सकता। नया तवा दिखा मुझे, मैंने कहा मैं देख लूँ। इसके प्राइस तो अच्छे थे लेकिन प्लेन रहे और साइडें मुड़ी हुई हूँ। और अब आते हैं जी कुकिंग रेंज पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक ठाक है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ इम्तियाज़। इस बार मैं गई नहीं थी तो कुछ चीज़ें रहती थी वो लेनी थी, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ। आज का व्लॉग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लीजिए, हम पहुँच गए हैं इम्तियाज़ पे, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं पूरी डिटेल वाली वीडियो देने वाली हूँ विद प्राइस। तो मैं आज इसमें आपके साथ एक्सप्लोर करूँगी इम्तियाज़ का पूरा क्रॉकरी सेक्शन और साथ में इलेक्ट्रॉनिक का जो सेक्शन है वो। ग्रोसरी नहीं शेयर करूँगी, ग्रोसरी का जो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी विद प्राइस, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ग्रोसरी की प्राइजेस देखने हों तो आप वहाँ पर जाके पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, आपने घबराना नहीं है, हमारे साथ रहना है। हम ऊपर ही जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी जो क्रॉकरी का सेक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन है वो थर्ड फ्लोर पे कर लिया है। सारी की सारी क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स जो है ना, वो थर्ड फ्लोर पे है। तो अभी हम थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपके साथ पूरा हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे और प्राइसेस भी बताएंगे कि किस किस की चीज़ की क्या प्राइस है। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ पर किसी चीज़ पर डिस्काउंट लगा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। महंगाई के इस दौर में अगर कोई चीज़ रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाए तो उसमें क्या बुरा है। तो मुझे ख़ुद भी कुछ चीज़ें चाहिए थी जिसके लिए मैं आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से प्राइस ले लूँ, अगर अच्छे प्राइस हैं तो फिर मैं यहाँ से चीज़ ले लूँ, और अगर ज़्यादा है तो फिर मैं, जाहिर सी बात है, जहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी मैं वहीं से लूँगी। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे पहुँचे हैं और अभी हमने लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाना है, और ऊपर जाके फिर मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी। तो जी, यहाँ पर मैं आपके साथ यहाँ का एड्रेस भी शेयर कर देती हूँ। हम मौजूद है कराची कयूमाबाद इम्तियाज़ सुपर स्टोर में। तो हम अब आपको ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर जाके आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक और ग्रोसरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ चलते चलते हस्बैंड एक कुर्ता देखने लगे, मैंने कहा आपको मैं इसके प्राइस शो कर देती हूँ। तो ये रहे इसके प्राइस, ये 1599 का है, और ये रही हमारी मतलूबा चीज़। और ये फर्स्ट चूल्हा जो है ये 24699 का था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उसका स्टील भी बहुत अच्छा था। और ये जो सेकंड वन है ये है 15499 का, और ये थर्ड वन है 15449 का, और ये जी है, और ये भी 15449 का ही है। और वो जो 499 मैंने बोला ना, वो भी 449 ही है। यानी बाकी तीन चूल्हे जो थे वो 15449 के थे, सिर्फ एक चूल्हा जो था वो 24699 का था। और जो ग्लास है ये 230 रुपए का ईच है, यानी एक अदद आपको मिल सकता है 230 रुपए का। स्टील इनका सही होता है, मार्केट में देखते हैं कि पता नहीं कितने का आता है, लेकिन ये है कि मार्केट में स्टील में जो है ना गड़बड़ होती है, कोई स्टील ओरिजिनल होता है कोई स्टील ओरिजिनल नहीं होते। और यहाँ पे मैं देचका भी देखने आई थी, मुझे स्टील का बड़ा देचका चाहिए था, जो कि मेहमान वगैरह आए तो चावल बनाने के लिए मुझे, मेरे पास जो बड़ा देचका है ना वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और जो छोटा है वो फिर सिर्फ घर के लिए ही काफ़ी रहता है। तो ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव था, एक बड़े साइज़ का जो था वो 10,000 का और दूसरा 8,000 कुछ का। तो मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा नहीं, इतना भी मैं महंगा नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत हो, लेकिन यह है कि बहुत ही ज़्यादा था। वो इसलिए भी था क्योंकि ये इम्पोर्टेड थे, जितने भी वो बर्तन लगे हुए थे ना वो इम्पोर्टेड थे। अच्छा, यहाँ तवा भी मुझे चाहिए, तवा भी मेरा ख़राब हो रहा है, लेकिन तवे ये वाला स्टील वाला जो नया तवा दिखा मुझे, मैंने कहा मैं देख लूँ। इसके प्राइस तो अच्छे थे लेकिन ये है कि ये बहुत ही स्टील की प्लेट जैसी चीज़ थी कोई ये, और इसके ऊपर लिखा भी था कि भाई ये पिज़्ज़ा पैन है। तो मुझे तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे हैवी पेंदे वाला चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिसकी साइडें मुड़ी हुई हों और हैवी पेंदा हो। तो ये जितने भी
तवे लगे हैं ना ये नॉर्मल साइज़ के हैं और हैवी पेंदे में एक भी नहीं था तो मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए। मैंने कहा मैं चलो मार्केट में भी सर्च करती हूँ, इनके पास तो मुझे कुछ हैवी पेंदे वाला तवा नज़र नहीं आया जिसकी साइडें भी मुड़ी हुई हों और जो हैवी भी हो, क्योंकि जो ये नॉर्मल स्टाइल के जो तवे होते हैं ना ये कुछ अर्से के बाद जो हीट से ना इनका ये पेट निकल आता है, ऊपर की तरफ उभर जाता है, यानी पेट सा निकल आता है तवे का, तो मैं वो चीज़ नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल प्लेन रहे और साइडें मुड़ी हुई हूँ ताकि ये पैन का काम भी करे और जो है ना तवे का काम भी करे, क्योंकि तवा भी मेरा ख़राब हो चुका है। ये दो तीन चीज़ें जो है मेरी मस्ट है, मैं इन्हीं को ज़्यादा देखने आई थी, तो अब देखती हूँ कि मैं क्या क्या लेती हूँ और क्या क्या छोड़ती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा सदर में भी विज़िट चलता ही रहता है, तो मैं और इसकी जो प्राइस है वो है 2180 का, और ये ज़्यादा महंगा तो नहीं था लेकिन ये है कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। और ये और अब आते हैं जी कुकिंग रेंज पे। कुकिंग रेंज है ये 34,449 रुपीस का, जो के है छोटे साइज़ का, एक इसमें अवन है, तीन इसमें चूल्हे हैं, एक बड़े साइज़ का, दो छोटे साइज़ के। ये इनदर दूसरा कुकिंग रेंज है जिसकी प्राइस है 31,699 रुपीस, इसमें बड़ा चूल्हा है, दो छोटी चूल्हे हैं और एक इसमें अवन है। स्टील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, और इसके बराबर में है बड़े साइज़ का कुकिंग रेंज जिसमें पांच चूल्हे हैं और इसमें दो ओवन है, और इसके प्राइस हैं 37,999 रुपीज़। और इसके बराबर में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक चूल्हा है जो कि 43,000 समथिंग का है, जिसमें तीन चूल्हे और एक ओवन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कुकिंग रेंज था। इसकी जो ग्लास की टॉप थी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन यह है कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे तो मेरे हिसाब का वो नहीं था। और अब आते हैं बाकी चीज़ों पे। यहाँ पे सारा सामान लगा हुआ है हार्डवेयर का, जो कि मेरी मकसद का बिल्कुल भी नहीं था, अच्छी थी। और यहाँ पे आपने हार्डवेयर का सामान देखा जिसमें कोई ख़ास मेरी मकसद की चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। अभी ये आते हैं मोबाइल सेक्शन पे। मोबाइल भी आपको जैसे पता है मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि मैं मोबाइल भी लूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई ख़ास मोबाइल पसंद नहीं आया। पसंद तो खैर आ रहे थे, ये 15,000 के उसके रेंज में आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, नए मोबाइल हैं, नोकिया के हैं तो ले लेते हैं। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये आपके काम के नहीं हैं, आप इस पर सारा काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपको मोबाइल ऐसा चाहिए जिसमें आप ऑल इन वन सारी चीज़ें कर सके, जिसको जिसमें पूरा कंप्यूटर हो, तो ये आपके काम का नहीं है। इसकी मतलब कैमरे की क्वालिटी भी वो नहीं है जो आपको चाहिए, तो मैंने कहा चलो फिर स्किप कर देते हैं इसको और फिर उसके लिए मार्केट ही जाएंगे। तो चलिए जैसे जैसे हमारा जाना बनता है फिर आपके साथ शेयर होगा वो सारा कुछ, और आपके साथ जैसे कि मेरी हर चीज़ शेयर ही होती है, जो भी मैं करती हूँ, ख़रीदती हूँ, नहीं ख़रीदती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ें लेनी थी वो भी मैंने आपको बताया, क्या क्या मकासद है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या ले रही हूँ यहाँ से, क्या नहीं ले रही हूँ, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और अब हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे से हमने क्या लेना है, नीचे से हमने ये लेना है कि हमने काफ़ी दिनों से जो है ना चावल नहीं खाए, बीमार थे सारे, सबको खांसी नज़ले ज़ुकाम वगैरह चल रहे थे, तो हमने सोचा कि हम अब जो है ना थोड़े से बेहतर हो गए हैं तो जो इतनी दिनों की जो क्रेविंग है उसको कंप्लीट करें, तो सबको जो है ना बिरयानी चाहिए, तो सब ने कहा कि हमें जो है ना आपने नली बिरयानी बना के देनी है। मैंने कहा चलिए ठीक है फिर नली बिरयानी बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ से सब्ज़ी वब्ज़ी खाली आपको दिखा रहे हैं, ले कुछ भी नहीं रहे हैं। टमाटर मैंने देखे वो बहुत अच्छे थे, हरे हरे टमाटर मैंने पहले लिए हुए हैं, घर में पड़े हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जो लाल टमाटर नज़र आए ना तो फिर किलो मैंने वो ले लिए, क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी में टमाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो फिर यहाँ से मैंने टमाटर भी ले लिए और फिर आगे से गोश्त भी ले लिया और नलियाँ भी ले ली, और ये सारी चीज़ें ले के फिर हमने जो है नेक्स्ट डे बिरयानी भी बनाई, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में नहीं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको नली बिरयानी की होममेड नली बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो नेक्स्ट व्लॉग को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, उसको पूरा देखिएगा, और इस व्लॉग का भी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, हमारा ये विजिट और ये एक्सप्लोरिंग कैसी लगी, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाज़मी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।